पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो कर। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं और सीएम असम हेमंत बिस्व शर्मा जी वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल हैं जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। देश के दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, वहीं कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के। तो वहीं जिस तरह से झारखंड में जो एनडीए का सीट बंटवारा है वो कर दिया गया है, और वहीं बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वहां पर एक सीट दिया गया है, जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया है, जिसके बाद सियासत भी काफ़ी गर्मा गई है। और वहीं बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब पटना एयरपोर्ट पर सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनो उनकी बातों को। कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाएगा। और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतोगत्वा बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे। देखिए, फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं और सीएम असम हेमंत बिस्व शर्मा जी वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल हैं जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की, इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसकी घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं,
कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी। पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी, भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो। इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, सलमान बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, क्या कहें उस पे? बाबा सिद्दीकी जी, उनसे मेरा भी पुराना परिचय रहा, उनसे मेरे भी खूबसूरत मजबूत और पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। मैंने भी एक साथी को, उनके जाने में एक साथी को खोया है। ऐसे में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हर कदम, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। चिराग पासवान किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि जो आखिरी मुहर है वो लगा रहे हैं और एक सीट पर हम लोग सहमति बन गई है, लेकिन जिस तरह से अरुण भारती जो झारखंड के प्रभारी हैं वो अभी तक बातें चल रही है। जिससे तक तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ।